दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार SGC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से जो बॉटनी का सिलेबस है, जो बॉटनी का सिलेबस है और BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है, फर्स्ट सेम के लिए जो है उसी पे डिस्कस होगा। और हमारे प्रीवियस वीडियोज में आप जब जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको दिखेगा जहाँ पर मैं यूनिट थर्ड को डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिट थर्ड को डिस्कस कर चुका हूँ, दैट मीन्स फाइकोलॉजी को मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ एल्गी। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट फोर्थ दैट इज माइकोलॉजी। आज हम लोग माइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में हम आपको इस माइकोलॉजी का जनरल करेक्टर क्या होता है, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग ये सब बातें करते रहेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो माइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं, यूनिट फोर्थ माइकोलॉजी। ठीक है, देखिए माइकोलॉजी क्या है। माइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। मतलब कि फंजाई स्टडी को क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। ठीक है, फंजाई की स्टडी को क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। ये जो, हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कभी कभी वीडियो में आपको फंजाई भी बोलेंगे और कहीं कहीं भी आपको हम फंगस बोलेंगे। कहीं कहीं फंजाई होगा, कहीं कहीं फंगस होगा, तो इतना ध्यान दीजिएगा जब फंजाई वर्ड यूज किया जाएगा दैट इज प्लूरल के लिए होगा, और जो फंगस वर्ड यूज करेंगे हम लोग वो होगा सिंगुलर के लिए। ठीक है, मतलब प्लूरल और सिंगुलर के फॉर्म में फंजाई और फंगस। ठीक, जो फंगस वर्ड है उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है मशरूम। क्या होता है, मशरूम। ठीक है, तो जो फंगस है, मतलब जो मशरूम है, उसी के हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि हम बता चुके हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा, मतलब इसके जनरल करेक्टर की बात चलेगी, तो यहाँ से अगर हम जनरल करेक्टर स्टार्ट करते हैं, जनरल करेक्टर ऑफ फंजाई। अब फंजाई यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारे फंगस को एक साथ लेकर के चल रहे हैं, जनरल करेक्टर की बात हो रही है तो बहुत सारे फंगस को एक साथ लेकर चल रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे फंजाई वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, पहला चीज अगर हम ध्यान दें फंजाई में, पहला चीज है जो होता है एक्लोरोफिलस। क्या होता है, एक्लोरोफिलस। पहला ही करेक्टर अगर ध्यान दें तो फंगस, आल फंगल फंगस आर एक्लोरोफिलस। अब एक्लोरोफिलस दैट मीन्स कि दे डू नॉट हैव एनी क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब क्या कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल
नहीं पाया जाता है। अच्छा, अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो प्लांट कैसे होंगे, वो प्लांट हो जाएंगे हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक क्या है, आप एक बात में समझ लीजिए कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी भी जीव में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ठीक। दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक। मेरी बातों पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमने बोला कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली दो तरह के, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक अब यहां ऑटोट्रॉफिक क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म दे हैव कैपेसिटी टू फॉर्म या टू मेक देयर ओन फूड मटेरियल बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। यहां पर लिखे ना, मतलब विच ऑर्गेनिज्म दे कैन मेक देयर ओन फूड मटेरियल बाय इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है, देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन क्या बना सकते हैं, सेल्फ स्वतः ही अपना भोजन बना ले, उनको ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। और इस धरती पर स्वतः भोजन बनाने वाला अगर कोई प्लांट है तो वो है क्लोरोफिलस प्लांट, मतलब जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होगा, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का नहीं होगा। क्लियर है। कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। दैट मीन्स कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल क्लोरोफिल। बैक्टीरिया में अगर कोई भोजन बना रहा है, अपना फूड मटेरियल बना रहा है, तो वहाँ पे होता है स्पेसिफिक जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल, जब हम बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को डिटेल बता देंगे कि बैक्टीरियल क्लोरोफिल क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक वहाँ पे कौन होते हैं और हेटरोट्रॉफिक वहाँ पे कौन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हेटरोट्रॉफिक की बात करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म they do not make their own food material is called heterotrophic। क्लियर है, आई होप कि दोनों चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। अब यहां पे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहा है, दैट मीन्स कि इसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। जैसे कि हम ऊपर देखे भी हैं, हम लोग लिखे हैं कि ये क्या होता है, एक क्लोरोफिलस है। कैसा है, एक क्लोरोफिलस है, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है।
अब इसके आधार पे हो गया ऑर्गेनिज्म कैसा, हेटरोट्रॉफिक है, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। अच्छा, अपना भोजन नहीं बना पाता, ये अभी हम आगे बताएंगे, ये पैरासिटिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है ना, इसको इसकी हम लोग चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आगे चलिए, अभी सारी बातें आगे आएंगे, ठीक है। एक एक कैरेक्टर को हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए, ए ट्रैकियोफाइटा दैट मीन्स दे डू नॉट हैव एनी वैस्कुलर बंडल, they do not have any vascular bundle, ठीक है। ए ट्रैकियोफाइटा है, दैट मीन्स इसके अंदर कहीं भी आप जाइलम अथवा फ्लोएम की बात नहीं करेंगे, जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका वर्ड यूज होता है ए ट्रैकियोफाइटा। दूसरा देखेंगे स्पोर बियरिंग, मतलब इसमें सीड नहीं होगा, इसमें स्पोर्स बनेंगे, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। मतलब जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि हायर प्लांट में बात करते हैं तो उसमें सीड होता है, मतलब कि अगर आप एंजियोस्पर्म में चले जाएंगे तो वहाँ आपको सीड देखने को मिलेगा, और सीड हैबिट तो टेडोफाइट से ही स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि इसमें सीड नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर कट बात है कि सीड नहीं बनता है, इसमें केवल स्पोर बनते हैं, ठीक है। जब एक एक जीनस हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आइए, देखिए, फिलामेंटस बॉडी इज फिलामेंटस दैट फिलामेंट इज कॉल्ड माइसेलियम, ठीक है। जो इसकी पूरी बॉडी होती है वो उसकी पूरी बॉडी क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं, मतलब फिलामेंटस, जो फिलामेंट होते हैं बहुत सारे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे फिलामेंट के बने होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका कोई भी एक फंगस हो। अब कह रहा है कि फिलामेंटस बॉडी या पूरी जो संरचना आप देख रहे हो ना, ये इसी को माइसेलियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, माइसेलियम कहते हैं। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात करेंगे, पर्टिकुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात, पर्टिकुलर फिलामेंट की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी, माइसेलियम और हाइफी। तो अगर इस आधार पर अगर डिवाइड हमको करना है तो हम ये कह सकते हैं कि द यूनिट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड, द यूनिट ऑफ माइसेलियम इज कॉल्ड हाइफी, ठीक है, हाइफी होता है इसका यूनिट। इसको क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, ठीक ना। मतलब ये एक थ्रेड हाइफी हो गया, अब बहुत सारे मिलकर के क्या बने हैं, माइसेलियम, यानी बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बनाएंगे, माइसेलियम बनाएंगे। चलिए और आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए, रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड का होता है, ठीक है। तो लिखेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय द मेथड ऑफ, टेक प्लेस बाय सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मींस, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सारी चीजें हो गई। अब देखिए जो बॉडी होती है, मतलब जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है सेल वॉल पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे यहाँ बॉटनी में पढ़ रहे हैं। तो लिखेंगे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल है, लेकिन सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है। सेल वॉल किससे बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात इंपॉर्टेंट यही है, काइटिन का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, दे डू नॉट फॉर्म्ड एम्ब्रियो। इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अरे कहाँ चला गया, दे डू नॉट फॉर्म इम्ब्रियो। They do not form embryo. Embryo का formation नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा, embryo का formation क्यों नहीं होता है, इसके पीछे बस एक reason है, जब इसमें zygote बनता है ना, zygote में, तो इसमें zygotic meiosis होता है, है ना, zygotic due to जायगोटिक मियासिस, इट डज नॉट फॉर्म इम्ब्रियो। जब इसमें जायगोटिक मियासिस हो जाता है तो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताना चाहते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप लोग को ज्ञात भी होगा जायगोट का फॉर्मेशन कब हो रहा है। पहली बात चीज, जायगोट का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब हैप्लॉयड सेल से मिलेगा तब डिप्लॉयड बनेगा, क्लियर है। व्हेन हैप्लॉयड न्यूक्लियस फ्यूज विथ हैप्लॉयड न्यूक्लियस देन फॉर्म डिप्लॉयड न्यूक्लियस, या उसको कह सकते हैं डिप्लॉयड सेल्स, क्लियर है। यहां है हैप्लॉयड और दैट इज डिप्लॉयड। फंगस की जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, the plant body is gametophytic, मतलब कि इसके पूरे लाइफ साइकिल में देखा जाए तो
तो जो यंग टाइप यानी कि हेप्लॉयड का जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। या यूँ कहें कि अगर किसी के लाइफ साइकिल में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने स्टेज आ रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा स्टेज किसका आएगा? हेप्लॉयड सेल्स का आएगा। तो जिसमें जिसकी संख्या अधिक होती है उसको बोल देते हैं कि हेप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, मतलब यह गैमेटोफिटिक है। या अगर स्पोरोफिटिक बोलेंगे तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, हमेशा स्पोर की जब बात करेंगे, स्पोर की जब आप बात करोगे ना, हमेशा 2N होगा, मतलब स्पोर हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन का होता है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। इसमें हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन का होगा, ठीक। हेप्लॉयड क्या होगा? हेप्लॉयड एन टाइप का मतलब गैमेटोफाइट क्या है? हेप्लॉयड है। अगर 2N है तो वो डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे पहला जो डिप्लॉयड सेल बन रहा है वो 2N, यहाँ पे जो पहला डिप्लॉयड सेल बना है उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जायगोट, ठीक है। एक प्लांट बॉडी से एन आया, मतलब एक इस एन को, या इसको प्लस स्टैंड मान लीजिए, इसको माइनस स्टैंड मान लीजिए, चाहे इसको माइनस मानिए, इसको प्लस मानिए, इससे नहीं कोई मतलब है, मतलब किसी एक को हम डिफरेंट कर रहे हैं। तो ये एन और ये एन, ये एन और ये एन दोनों क्या हुए? फ्यूज हुए। फ्यूजन के बाद क्या बन गया भैया? आपका जायगोट बन गया। और जायगोट को क्या बोल रहे हैं? ये पहला स्पोर है, ठीक है, ये पहला स्पोर है और ये जायगोट, ठीक, इसको जायगोट बोल रहे हो, जो डिप्लॉयड कंडीशन का है। ध्यान दीजिएगा, डिप्लॉयड है। अब हम ये कह रहे हैं कि प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमेटोफिटिक होती है। अगर इसी डिप्लॉयड सेल से, अगर इसी डिप्लॉयड सेल से यहां पर यही डिप्लॉयड सेल में क्या हो? माइटोसिस हो, माइटोसिस डिवीजन होगा, तो डिप्लॉयड सेल कैन मेक डिप्लॉयड सेल, दैट मींस कॉपी पेस्ट, 2N 2N, एक सेल से दो सेल बनेगा, माइटोसिस डिवीजन एक सेल से दो सेल बनेगा, लेकिन लेकिन उसका जो क्रोमोजोम लेवल जो होगा वो क्या होगा? वो डिप्लॉयड ही होगा, डिप्लॉयड ही होगा। फिर अगर माइटोसिस होगा डिप्लॉयड ही होगा, डिप्लॉयड ही होगा। ऐसे पूरी प्लांट बॉडी अगर बन जाएगी, और कैसी बनेगी? डिप्लॉयड ही बनेगी, ठीक। और तो कंडीशन तो ये ऊपर हमने ये तो कंडीशन दिया था ना, यहाँ पे हमने कंडीशन क्या बताया? हमने कंडीशन ये बताया कि प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, मतलब हेप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉयड कैसे बन सकता है? डिप्लॉयड नहीं बन सकता। इसीलिए यहां पर क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन नहीं, मियासिस डिवीजन होता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है? मियासिस डिवीजन होता है, मियासिस डिवीजन होता है। और मियासिस डिवीजन का क्या बनेगा? हाफ हाफ नंबर बन जाएंगे ना, फिर यानी एन हाफ हाफ बन जाए, तो इसलिए इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आई। चलिए एक बार हम दोहरा देते हैं ऊपर से पूरा, एक एक पॉइंट को हम बता दे रहे हैं फिर से। देख लीजिए, हमने यहाँ बताया है क्या है कि एक क्लोरोफिलस है, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये हेटरोट्रॉफिक नेचर का होता है, मतलब कि ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो हेटरोट्रॉफिक होता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। और जो भोजन का बनाने होता है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है। तो ऑटो जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो ऑटो हो जाएंगे, जो अपना भोजन नहीं बना पाते वो हेटरो हो जाएंगे, क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, ये ट्राइक्योफाइटा मतलब इसका वैस्कुलर बंडल कभी नहीं पाए जाते, कहीं नहीं पाए जाएंगे, स्पोर बियरिंग प्लांट होते हैं, इसमें स्पोर बनेगा, सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। बॉडी फिलामेंटस होता है, बॉडी यह होती है फिलामेंटस होती है, इसके फिलामेंटस बॉडी को कहते हैं माइसेलियम, यहाँ पे इसके फिलामेंटस बॉडी क्या कहेंगे? माइसेलियम। और माइसेलियम का जो यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं हाइफी, माइसेलियम का जो यूनिट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइफी, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द बाई सेक्सुअल, ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मीन्स, मतलब इसमें सेक्सुअल मेथड से, ए सेक्सुअल मेथड से और वेजिटेटिव मेथड से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। सेलवाल जो होता है, इसमें सेलवाल पाया जाता है, और सेलवाल किससे बना होता है? तो काइटिन का इसमें सेलवाल बना होता है। सेलवाल किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है। और आगे देखिए, इसमें कहीं भी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, दे डू नॉट फॉर्म इम्ब्रियो, बिकॉज
इसमें जायगोटिक मियासिस हो जाता है। क्या होता है? जायगोटिक मियासिस होता है, इसलिए इसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हैं। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। जो फंजाई टर्म गिवन बाई बॉविन, जो फंजाई टर्म है वो किसने दिया था? वो दिया था बॉविन ने। ठीक है, बॉविन ने दिया था। और फादर ऑफ फंजाई किसको कहता है? पी ए मिचेली को फादर या उनके फाउंडर किसको कहा था? पी ए मिचेली को कहा जाता है। ठीक है, इनके द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, नोवा प्लांटेरम। तो कहीं कहीं भी आपको एग्जाम में मिल सकता है ऑप्शनल में कि नोवा प्लांटेरम किसके द्वारा लिखित बुक है, तो वो है पी ए मिचेली के द्वारा। इसी में उन्होंने पूरे फंजाई के कैरेक्टर को उन्होंने पहली बार वर्णन इसी में किया है। ठीक है, आगे देखिए, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहेंगे ई जे बटलर। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी क्योंकि कहेंगे डी बेरी को। ठीक है, तो टर्म किसने दिया? बॉविन ने दिया। फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहेंगे? पी एम मिचेली को कहेंगे, जिनके द्वारा एक नोवा प्लांटेरम नाम की बुक लिखी गई है। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है? ई जे बटलर है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? डी बेरी। ठीक है, आगे चलिए, एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते रहिए। ठीक, नोट करते रहेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, है ना, और ये जो नोट्स तैयार होगा आपके आगे भविष्य के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। आगे देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे आर एच विटेकर। इन्होंने पहली बार एक किंगडम दिया, किंगडम फंजाई। ठीक है, मतलब किंगडम फंजाई इज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर, है ना। लेकिन जब एंसवर्थ साहब ने पूरे फंजाई को क्या कर दिया? किंगडम माइकोटम रखा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से और लोग आए, जैसे कि एलेक्जोपोलस एंड मीम्स
एलेक्जोपोलस एंड मीम साहब जब आए तो इन्होंने किंगडम माय सिटीज में इसको करा, इसको मतलब पूरे फंजाई को किंगडम माय सिटीज में करा, किंगडम माय सिटीज। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग के टीजीटी पीजीटी, आप लोग जब एनबीएस केबीएस देंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर एक बार आपको देखने को मिलेगा कि आरएच विटेकर ने किसने पहली बार किंगडम फंजाई दिया, तो आरएच विटेकर ने, तो किसने पहली बार किंगडम माइकोटा बनाया, तो भैया एन्सवर्थ ने, तो किसने माय सिटीज बनाया, किंगडम माय सिटीज में रखा फंजाई को, तो एलेक्जोपोलस एंड मीम साहब ने इनको अलग अलग किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हेटेरोथैलिज्म कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हेट्रोथैलिज्म कॉन्सेप्ट वाज गिवेन बाई, मतलब हेट्रोथैलिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है उसको दिया गया था ब्लैक्सली ने पहली बार हेट्रोथैलिज्म कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था किसमें, म्यूकर म्यूसेडो में ब्लैक्सली ने पहली बार हेट्रोथैलिज्म कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। ठीक है, अब साथ साथ में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका अगर हम हिस्टोरिकल का बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि पेनिसिलिन वगैरह नाम तो आना ही चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिसको हम वंडर ड्रग्स भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वंडर ड्रग्स भी कहते हैं, पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक दिया था जिसको क्या कहते हैं, वंडर ड्रग्स भी कहते हैं, पहली बार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, मतलब पहला पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली खोज किया था। ठीक है, एक और आता है वन जीन वन एंजाइम गिवेन बाय one gene one enzyme hypothesis given by Bedel and Tatum। ठीक है, ये रहा कुछ आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब फंजाई के जो किसने अध्ययन किया था, कौन नाम दिया था, कैसे दिया था। ठीक है, कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के हम नाम बता दे रहे हैं जो माइकोलॉजिस्ट हैं, जो इंडियन माइकोलॉजिस्ट जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं इंडियन, कहीं नाम आपको ज़रूर मिल जाएगा माइकोलॉजिस्ट, कहीं क्वेश्चन ज़रूर इससे मिलेगा इंडियन माइकोलॉजिस्ट, जैसे केसी मेहता
ठीक है, जेसी लुथेरा, बी बी मुंडेकर, श्रीनिवासन मुखर्जी चौधरी, ये सब क्या है? ये सब इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। एक बार एकदम एक मिनट के अंदर अंदर पूरे हम अभी जो हिस्ट्री बताए हैं उसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करा देते हैं। हिस्ट्री की बात, जो माइकोलॉजी जो टर्म है किसके द्वारा दिया गया था, तो वो बॉबिन के द्वारा दिया गया था। फादर ऑफ फंजाई किसको कहते हैं? पीए मैकेलिक कहते हैं। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन है? ईजे बटलर है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजिस्ट कौन है? डी बेरी है। आर एच विटेकर ने पहली बार इस फंजाई को किंगडम फंजाई बनाया, उसमें रखा। एंसवर्थ ने किंगडम माइकोटा बनाया और फंजाई को माइकोटा में रखा। एलेजोपोलस और मिम साहब आए और किंगडम माइसिटीज बनाए और पूरे फंजाई को माइसिटीज में उन्होंने रखा। हेट्रोथैलिज्म कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो ब्लैक्सली के द्वारा दिया गया था। और किस कौन सा वो फंगस था? तो म्यूकर म्यूसोडे था। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक जो खोज की गई थी वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। और इस एंटीबायोटिक यानी इस एंटीबायोटिक को पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलिन को क्या कहते हैं? वंडर ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है, वंडर ड्रग्स कहते हैं। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय बेडल एंड टैटम। एंड यहाँ पे देख लीजिए सबसे लास्ट में, कुछ इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं जैसे केसी मेहता हैं, जेसी बुलथेरा, बीबी मुंडकर हैं, श्रीनिवासन मुखर्जी और चौधरी हैं, ये सब इंडियन माइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कुछ जनरल करेक्टर। अभी इसके साथ और हम जनरल करेक्टर लेकर आएंगे। थोड़ा वीडियो और लॉन्ग हो रहा है इसलिए अभी इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे फिर अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।